और चलिए बात करते हैं हल्द्वानी की, जहाँ के MBPG कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। नगर निगम के मेयर जोगेंद्र रौतेला और विधायक सुमित हृदेश ने झंडारोहण किया और शहरवासियों को 77वें स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सेनानियों को याद करते हुए कहा कि आज लाखों वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बदौलत ही हमें आज़ादी मिली है और इस देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव को बड़े ही धूमधाम प्यार से मनाया जा रहा है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं अपने 78 को रिप्रेजेंट कर रही हूँ आगे से एज अ कमांडर, और मैं बस ये कहना चाहूंगी कि आइए NC ज्वाइन करिए और आगे का जैन सभी को। मैं एक NCC कैडेट हूँ और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एक NCC कैडेट हूँ, और मैं अपने आने वाली जनरेशन को यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा अपने मतलब देश को आगे बढ़ाएं। हमारे कॉलेज में इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है 15 अगस्त के ओकेजन पे, सो सारे कॉलेजेस स्कूल्स यहाँ पे आए हुए हैं और मार्च करेंगे अब तिरंगे के सामने। 77वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर, राष्ट्रीय पर्व पर, मैं सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बहुत बहुत नमन करता हूँ, उनका अपने हृदय से अभिनंदन करता हूँ, और साथ ही साथ जो वीर सैनिक जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया इस देश को अखंड रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, अक्षुण रखने के लिए, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। पहले जिन लोगों ने बलिदान दिया है, चाहे भारत की आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने बलिदान त्याग दिया है, या फिर भारत देश बनने के बाद जिन हमारे वीर शहीदों ने, सैनिकों ने, हमारे पुलिसकर्मियों ने शहादत दी है, उनके खून से, उनके त्याग से, उनके पसीने से इस देश को सींचा गया है और इस देश का संरक्षण हुआ है, तो आज सबसे पहले हम उन्हें याद करते हैं, साथ ही साथ प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बधाई देते हैं।